दोस्तों कैसे आप सभी, पीटी एग्जाम मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज। चलिए आज हम लोग सेट चार देखेंगे। ये देख सकते हैं बीपीएससी का है क्वेश्चन, प्री का है, ये 1996 का है। तो चलिए आज हम लोग सेट चार को करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है हुआ है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका हो जाएगा कदंब का जो उल्लेख है वो आपको इसमें संगम साहित्य में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित चार स्थानों का नीचे उल्लेख है। सूची वन और सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए पुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, देख सकते हैं पहला कह रहा है जन्म, उसके बाद प्रथम प्रवचन। तो चलिए इसको यदि हम मिलान करता है करने के लिए, तो चलिए इसको हम लोग मिलान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तीसरा, पहला का हो जाएगा जन्म कहाँ पे। तो जन्म कहाँ पे हुआ था बुद्ध का, तो ये आपको हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है, ये लुम्बिनी में। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो आप लोगों को भी पता है बोधगया में। उसके बाद आप देख प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे उन्होंने, तो सारनाथ में। और उसके बाद निधन कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था किस चीज का बना हुआ था। तो आंसर होगा सी, लकड़ी का बना हुआ था तीसरा का, ठीक है। चौथा नंबर, वेन फांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो कौन सा था। ये आई थिंक सब लोगों को पता ही होगा। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर होगा बी, मथुरा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर, कवि वान यह निवासी था, कहाँ का निवासी था, कवि वान के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपको बी, थानेश्वर के थे कवि वान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत है, देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी था कहाँ पे थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको लाहौर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसको किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो ये था आपको जफर खान, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आठ नंबर, हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें, युद्ध के स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो चलिए, तो आठवां का क्या आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको डी, आंसर हो जाएगा देवरा, चौसा, कन्नौज और फरहिंद, देव चौकस, देव चौकस। इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, देव चौकस, देव का मतलब देवरा, चौ से चौसा, क से कन्नौज और फ से फरहिंद, देव चौकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, नौ नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो किसने कहा है, तो ये आपको ये हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा वी ए स्मिथ ने कहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दस नंबर क्वेश्चन, आधुनिक भारत अब शुरू हो गया, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि। चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, ठीक है। चलिए 11 का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गदर पार्टी का स्थापना हुई वर्ष किस वर्ष में हुई थी, तो आप लोगों को भी पता होगा आई थिंक। चलिए तो ऊपर भी देख लेते हैं इसका आंसर, 1913 में, बी आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है, तो 13 का आंसर हो जाएगा आपको बी, महात्मा गांधी पे, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 14 नंबर, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। तो चलिए 14 नंबर का आंसर हम लोग देखते हैं, तो हो जाएगा सी, प्यारे लाल थे, नोआखली के समय में महात्मा गांधी के सचिव प्यारे लाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सकते हैं 15 नंबर, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। तो चलिए इसका आंसर देख, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो है, तो जयप्रकाश नारायण को जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी।
16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो चलिए इसका आंसर आई थिंक सबको पता ही होगा, तो ऊपर भी देख लेते हैं, सी राजगोपालाचारी, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किस चीज को गांधी जी ने महत्व दिया वो पूछ रहा है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, ए आंसर हो जाएगा, रचनात्मक कार्यों को, रचनात्मक कार्यों को गांधी जी ने महत्व दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था, क्या था वो पूछ रहा है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी आंसर हो जाएगा, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का अस्तगण, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखते हैं, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो चलिए 19 का आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, और ये 1857 का विद्रोह रहा है असफल। 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, तो चलिए इसका देखते हैं आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी 3, ठीक है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो इसका कौन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ताराचंद। दूसरा देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो इसका हो जाएंगे आपको के दत्ता। तीसरा देख सकते हैं आनंद मठ, तो इसका कौन हो जाएंगे, बंकिम चंद चटर्जी। चौथा देख सकते हैं प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, तो इसका हो जाएगा कौन, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस का हो जाएंगे आपको ये राजा राम मोहन राय, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं आवर इंडिया मुसलमान, तो इसका हो जाएगा आपको क्या, WW हंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका हो जाएगा आपको आंसर डी संयुक्त क्षेत्र, ये सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ये यहाँ पे डी पहला और संयुक्त क्षेत्र और बिहार में इसका जो आंदोलन का सबसे अत्यधिक व्यापक रहा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वायकोम सत्याग्रह में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, इन्होंने बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो 23 का हो जाएगा आपको बी वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। 24 नंबर देखते हैं भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर लिया गया था, तो कहां रखा गया था उनको, तो इसका आंसर हो जाएगा डी आगा खां पैलेस में गांधी जी को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय गोल में सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण जो है द्वितीय गोल में सम्मेलन असफल रहा। 26 नंबर रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1896 डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कह रहा है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो कौन हुए थे, तो चलिए 28 का हो जाएगा बी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है 1938 की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, तो चलिए देखते हैं 29 का हो जाएगा आंसर आपको कौन सा, तो 29 का हो जाएगा सी वारेन हेस्टिंग जो है वो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था, तो ये आपको होगा शाह फूजा से जो है वो हीरा प्राप्त किया था रंजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, तो कौन था, तो 31 का हो जाएगा फर्स्ट ए नंबर क्वेश्चन, ए आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय, सहायक संधि स्वीकार करने वाला था बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो किसने की थी, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको नवाब फली उल्ला खां,
ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख सकते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो कौन थे आत्मीय सभा के संस्थापक, तो ये हो जाएंगे आपको ए आंसर इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 1829 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दो वक्तव्यों को दिया गया है, कथन ए कह रहा है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, आर कह रहा है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो चलिए इसमें से देखते हैं कौन सा आंसर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ए और आर दोनों जो है वो सही है, और कथन ए जो है सही व्याख्या आर का करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पॉलिटी पे है, भारतीय संविधान की 73वां संशोधन प्रावधान करता है, तो किससे है 73वां संविधान संशोधन, तो चलिए 36 का आंसर हो जाएगा आपको डी, पंचायती चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समक्ष बनाने का। ठीक है, चलिए 37 नंबर देख सकते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया वो कह रहा है, ये पूछ रहा है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 26 नवंबर 1949 ए तक, ये आंसर हो जाएगा कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो क्या है, चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो चलिए इसका हो जाएगा आंसर डी, केवल लोकसभा के प्रति जो है ये उत्तरदायी होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है, नहीं प्राप्त है कि वह क्या, तो 40 का चलिए आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, राज्यसभा को अस्थायी सदन करते कहते हैं, वो होगा कहा गया है, रॉ लिखा गया, कहते हैं होगा क्योंकि, 41 का आंसर हो जाएगा आपको 4, 2 और 3 दोनों सही है, 2 क्या कहता है इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, आप लोग भी जानते हैं कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 42, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, क्या है, तो चलिए 42 का आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, केवल 4 क्या कह रहा है, राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहां का अस्तित्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह कहां वर्णित है, तो ये आर्टिकल 74 में वर्णित है, अनुच्छेद 74 में इसका वर्णन है। ठीक है, चलिए बी का आंसर हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती है ये पूछ रहा है, तो 44 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा आपको डी। ठीक है, भारतीय बैंक में धन जमा करके जो है आप नागरिकता नहीं ले सकते हैं। 45 नंबर, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई है, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है ये पूछ रहा है ये, तो चलिए इसका आंसर होगा सी, 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये आपको उम्र सीमा घटाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है, आई थिंक सबको पता ही होगा ये चीज। ठीक है, कितना, तो 12। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, ये पूछ रहा है ये, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं ज्योग्राफी पे है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा है, तो आप लोगों को भी पता ही होगा आई थिंक, बी सी आंसर हो जाएगा, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, 48 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने का संभावना अधिक रहता है, कहां पे रहता है ज्यादातर संभावना बनने का, तो चलिए 49 का जो है वो हम लोग देखते हैं आंसर, तो इसका हो जाएगा आपको
23 डिग्री के आसपास जो है तो आपको मरुभूमि बनने का संभावना ज्यादा रहता है, कितना 23 डिग्री के आसपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देख सकते हैं। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है तो कितना किलोमीटर तक है, तो चलिए ये पूछ रहा है ये, तो 50 का आंसर आपको हो जाएगा बी, 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस तारा मंडल के सहारे, ठीक है, जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो क्या है वो, तो सप्तऋषि तारा इसको कहते हैं, जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है उसको बोला जाता है सप्तऋषि तारा। ठीक है, 51 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, कहाँ पे घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, भूमध्य रेखा के आसपास जो है घने वन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है कितना समय लगता है, वो पूछ रहा है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका हो जाएगा 365.25 दिन जो है वो लगता है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है तो कौन है, तो चलिए 54 का हो जाएगा बी, शुक्र जो है वो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, कौन, शुक्र। ठीक है, अब चलिए भारत के भूगोल में आ गए हैं, देख सकते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी तो कितना थी, ये है बैक ईयर का क्वेश्चन, तो अभी जो क्वेश्चन होगा वो 2011 के सेंसस के तहत होगा, तो ये बैक का है, तो पर भी चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर दिया गया है इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख सकते हैं। कह रहा है कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वह है, तो क्या है, तो चलिए 56 का आंसर हो जाएगा ए, भार हास्य मूलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 57 का हो जाएगा आपको बी, पेलियोजोइक महाकल्प में, पेलियोजोइक महाकल्प में जो है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं पेलियोजोइक महाकल्प में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है, तो चलिए 58 का हो जाएगा आपको बी, बांगर कहलाती है। ठीक है, चलिए भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रा नदी पर, बी आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक है, तो भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक कहाँ पे होता है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल में जो है पटसन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 61 नंबर कहता है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है कहां पे है, विदर्भ के बारे में पूछ रहा है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंग है विदर्भ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। चेरापूंजी अवस्थित है, तो ये पूछ रहा है चेरापूंजी कहां अवस्थित है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेघालय में। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है, तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर यदि अभी का बात किया जाए तो आप लोगों को भी पता है जो कि प्रथम है जनसंख्या घनत्व में, फर्स्ट है। ठीक है, और यदि उस समय की बात किया जाए 63 का, तो यहाँ पे भी देखते हैं भारत में प्रथम ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी पे है। फर्निम त्रिकोण का तात्पर्य है, क्या है फर्निम त्रिकोण का तात्पर्य, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा डी एन पर, अफगानिस्तान ईरान पाकिस्तान पर आधारित तस्कर तकरी से। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 65 नंबर, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन सा है, वो पूछ रहा है, तो चलिए 65 का आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, एंडीज पर्वत जो है वो आपको सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, ऊंचाई में तो हिमालय ही है सबसे बड़ा, देख सकते हैं आप। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो कहां पे विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा का निर्माण होता है, तो चलिए ये हो जाएगा आपका गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी क्या थी, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। 67 का हो जाएगा सी, 92 से लेके 97 तक, 1992 से लेके 97 तक। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः,
तो क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको चौथा, उपयुक्त सभी रहा, अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकीकरण, अपश्चात सामाजिक अभिवृद्धि के कारण। ठीक है, चलिए 69 नंबर, योजना आयोग का स्वरूप क्या है। तो योजना आयोग का स्वरूप उस समय का पूछ रहा है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ये एक जो था परामर्शदात्री विभाग था, ठीक ना, ये एक संवैधानिक विभाग नहीं था, ये एक परामर्शदात्री, इसको बनाया गया था, ठीक है, योजना आयोग को। मगर अब जो है तो आपको योजना आयोग की जगह आ गया है कौन सा, तो नीति आयोग, योजना आयोग की जगह ही नीति आयोग आया है, और ये आपको 1 जनवरी 2015 से चालू हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है भारतीय योजना आयोग के प्रदेन अध्यक्ष होता है, तो कौन होता था, ये प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग के भी अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, चलिए अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है तो क्या है, तो चलिए इसका आंसर में लिखते हैं, सी आंसर हो जाएगा, गरीबों में सबसे गरीबी गरीब की सहायता। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है, तो किससे करता है, तो चलिए 72 का हम लोग देखते हैं, हो जाएगा बी, तापीय। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होता है, विनिमय दर जो है वो निर्धारित होता है, तो कैसे निर्धारित होता है, चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। 74 नंबर देख सकते हैं, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, तो क्या है ये, तो 74 का हो जाएगा आपको सी, निवेश बैंक का, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है किसका, तो वो है निवेश बैंक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख सकते हैं 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें कथन ए और दूसरा आर है, एक कह रहा है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता नहीं मिलती है जितनी आशा की जाती थी, दूसरा कह रहा है केंद्रीय कृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा है, तो चलिए 75 का आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 75 का तीसरा, कथन ए जो है वो सत्य है परंतु आर जो है वो असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है, तो कौन है सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, 76 को हो जाएगा आपको सी, कपास जो है वो तो सबसे प्राचीन और बृहद स्तरीय उद्योग है। 77 नंबर कह रहा है भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो क्या है, तो 77 का जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपको डी, अप्रत्यक्ष कर जो है वो सबसे बड़ा स्रोत। 78 नंबर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, तो चलिए क्या नहीं है, तो 78 का हो जाएगा आपको ए, मुद्रा की मात्रा जो है वो आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, ये कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब देख सकते हैं ये फिजिक्स से क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 79 क्वेश्चन कह रहा है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, सेल्सियस स्केल पे पूछ रहा है, तो सेल्सियस स्केल पे जब भी होगा वो कितना होगा, तो 79 का आपको हो जाएगा क्या आंसर, ये हो जाएगा आपको 36.9, यदि फारेनहाइट पे बोलेगा तब 98 डिग्री होगा, इसीलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो सेल्सियस पे पूछ रहा है तो 36.9। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रायः प्रातः काल में छुए तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लकड़ी की तुलने में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, चलिए 81 देखते हैं, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, कितना ढका हुआ है, आप लोगों को भी पता है ये क्वेश्चन का आंसर, 81 का हो जाएगा आपको क्या, 3/2 भाग जो है वो आपको पानी से ढका हुआ है। 82 नंबर देखते हैं, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, कितना खर्च होगा ये पूछ रहा है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा एक यूनिट, एक इकाई खर्च होगा। देख सकते हैं 83 कह रहा है, यदि किसी एनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी क्या होगी, तो होगा इसका आंसर सी, 85 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 84 नंबर, अब केमिस्ट्री पे है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी गैस है, तो चलिए 84 का आंसर हम लोग देखते हैं, तो वो हो जाएगा आपको नाइट्रोजन की मात्रा हवा में जो है सबसे ज्यादा है। 85 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या,
85 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाए आपको बी, प्रोटॉन की संख्या वही होती परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 86 नंबर देख सकते हैं, भारी जल वह जल होती है, क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए 86 का आंसर जो हो जाएगा आपको वो हो जाएगा सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 87 नंबर, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो फतापी का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फतापी का हो जाएगा आपको सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मगर इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, चलिए अब बायो से हम लोग देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, तो 88 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपको सी, उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है कौन सा है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, ये होगा एलेथीन। एलेथीन जो है वो आपको मच्छर भगाने के लिए दवाओं में रसायन सक्रिय रसायन है। ठीक है, एलेथीन। 90 नंबर क्वेश्चन, 20 वर्षों की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, तो चलिए इसका आंसर आप लोगों को पता ही है, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो चलिए 91 का हम लोग देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, आई थिंक आपको पता ही होगा। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चलिए 92 का हम लोग देखते हैं, 92 का आंसर हो जाएगा आपको सी, चावल जो है सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख सकते हैं साइंस एंड टेक का है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कौन, ये फास्ट जो है आपको कंप्यूटर की भाषा नहीं है। 94 का क्या हो जाएगा? तो 94 का हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, अब ये जो है राज्य से बिहार राज्य का स्पेशल क्वेश्चन है, देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो यहाँ पे देख सकते हैं दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। तो कौन कौन सा भाग? दानापुर था ही, मुजफ्फरपुर था ही, पटना था ही, तो बचा आरा और मुंगेर। तो चलिए 95 का जो आंसर देखते हैं वो हम लोग देखते हैं, क्या मुजफ्फरपुर नहीं था इसमें? ठीक है, इसमें हो जाएगा आपको आंसर 95 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 4 और 5 मुजफ्फरपुर और मुंगेर जो था इसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का स्थानीय समय तो ये भारतीय मानक समय से जो है सो आपको आगे है। 96 का यदि आंसर हम लोग देखें तो ये आंसर ए आंसर हो जाएगा, भारतीय मानक समय से पटना का जो स्थानीय समय है वो आगे है। ठीक है, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, तो किस चीज के लिए करते हैं? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपको ए, गया में महाबोधि मंदिर का जो है जिसको ट्रस्टी को इसके लिए जो है ये लोग आंदोलन करते रहते हैं। 98 देख सकते हैं, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगी? तो कौन करती है, महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगी? तो चलिए 98 का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको 4, उपयुक्त में से कोई नहीं, जिसको यदि चुना जाएगा वही ना उसकी अध्यक्षता करेगी। ठीक है, चलिए 99 कह रहा है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो किसने प्रांतीय राजधानी पटना को बनाया था? आई थिंक सबको ये चीज पता ही होगा, तो पर भी देख लेते हैं, इसका आंसर होगा आपको शेरशाह द्वारा। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 100 में 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खाने कहाँ कहाँ स्थित थी? तो कहाँ कहाँ स्थित थी? तो चलिए 100 का आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको 100 का आंसर हो जाएगा 2, पटना में, कहाँ? पटना में। ठीक है, चलिए 101 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो चलिए इसका 101 का आंसर हो जाएगा
बी 1882 में जो है गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना की गई। 102 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, ये पूछ रहा है उड़ीसा बिहार से पृथक किस वर्ष हुआ। तो चलिए 102 का आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1936। बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ था, तो ये हो गया था आपको 1912 में हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो अभी जो है यदि देखा जाए 103 का, यदि उस समय के हिसाब से देखा जाए तो वो पता नहीं, क्योंकि इसमें गुमला दिया हुआ है, लोहरदगा दिया है, गोड्डा दिया हुआ है, तो उस समय झारखंड था। मगर अभी यदि देखा जाए तो आपको तो अभी के अनुसार तो हो जाएगा शेखपुरा जो है जहां पे सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर के जंगल हैं, छोटा नागपुर के जंगल हैं। तो चलिए 105 का आंसर देखते हैं, तो 105 का आंसर हो जाएगा आपको बी, केवल दो, पतझड़। ठीक है, चलिए वैसे इसका आंसर जो है वो बी नहीं, सदाबहार भी होना चाहिए, पतझड़ भी होना चाहिए, मगर ये जो आंसर दिया हुआ है वो पतझड़ ही फिर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो ये चलिए उस समय का क्वेश्चन था, तो इसीलिए ये इस तो झारखंड का क्वेश्चन अब हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। 107 नंबर देख सकते हैं, छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है। तो यदि उस समय का बात करें तो 107 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सॉरी ए, चावल फिर जो है तो वहां का मुख्य फसल है। 108 नंबर देख सकते हैं, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो कौन सा जो है वो पटसन उद्योग के लिए फेमस है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। ठीक ना, उत्तर पश्चिम बिहार मैदान जो है वो पटसन के पट्टी की तरफ काम आता है, पहला का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी इसका यहाँ पे दिया हुआ है ए। ठीक है, चलिए एक और दूध, उत्तर पश्चिम बिहार मैदान में और उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो 109 का हो जाएगा आपको, 109 का आपको आंसर हो जाएगा 4:80:20 का रेशियो। अब तो घट गया है, ये पहले का जनसंख्या के लिए है, इसीलिए इसको जो है आप लोग करंट पे देख लीजिएगा। 110 कह रहा है, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है, खनिज उत्पादन का। यदि उस समय की बात करें तो उस समय के अनुसार जो है इसमें लगभग 36% है, मगर अब जो है अब तो बिहार में रहा नहीं, सब तो चला गया झारखंड में, इसीलिए ये क्वेश्चन हम लोग जो है फाइट करके चलेंगे। 111 कह रहा है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। तो कितना प्रतिशत भाग है, तो चलिए इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा सी, 30-40% के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 कह रहा है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, बिहार राज्य वित्त निगम। नेक्स्ट देख सकते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ। तो ये तो चलिए उधर भी काम आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी। तो आप सोच सकते हैं जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तब की बात ये कर रहा है, तो उस समय टोटल जिलों की संख्या कितनी थी। 114 नंबर क्वेश्चन, तो उस समय था आपको 55 टोटल जिला था, और जब झारखंड अलग हुआ उस समय जो जिलों की संख्या थी वो 37 थी, फिर 112, तो अब हो गया टोटल बिहार में जिलों की संख्या 38 दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग इस चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा जरूर। थैंक यू सभी को, जय हिंद, थैंक यू।